नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं जनता आवाज़, देश की आवाज़ और बुलंद आवाज़। हमारे देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों के साथ आए दिन अत्याचार की घटना होती रहती है। तो इस दलितों पर अत्याचार की घटना क्यों होती रहती हैं, सवर्ण वर्ग के साथ क्यों नहीं होती हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, जो प्रेसिडेंट हैं यूथ फॉर सोशल जस्टिस, इस पर चर्चा करेंगे हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी। देखिए, ये कोई एक ही विषय नहीं है, ये बड़ा एक इसके पीछे एक पुराना इतिहास है। मैं कुछ घटनाओं को अंजाम दूंगा। मिर्चपो, खैरालन जी हो, हाथरस हो, या ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ये हर साल हर महीने ये घटनाएं होती जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसके इसी घटना पर ये क्यों हो रही है, इसके लिए मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक कोटेशन देता हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने वॉल्यूम्स में लिखते हैं कि जब दलित समाज का व्यक्ति नए कपड़े पहनता है, नए घर बनाता है या अच्छी एजुकेशन लेता है, तो एक ईर्ष्या जो ब्राह्मणवादी मानसिकता व्यक्तियों के मन में पैदा होती है, तो जो ईर्ष्या होने का कारण यह है कि इनकी मानसिकता, और ये जो ब्राह्मणवादी मानसिकता, ये एक दिन का खेल नहीं है। इसके पीछे हमारे प्राचीन समय में एक ग्रंथ आया था मनुस्मृति, उसके अंदर पूरी तरह से ऐसी जो घृणित शब्द है ये भरा गया, और जो मनुस्मृति हमारे देश के अंदर ज़्यादातर व्यक्तियों, जो नकारात्मक व्यक्तियों के मन में ऐसी पूरी तरह भरी जा चुकी है, और उसी का परिणाम है कि आए दिन ऐसी घटनाएँ होती जा रही हैं। ये घटनाएँ कम होने का नाम नहीं ले रही। अब ये ऐसी एकलव्य, आपने एक सुना होगा महाभारत के समय में कि एकलव्य जब आगे बढ़ता है तो उसको रोकने के लिए अंगूठा कटवा दिया जाता है, इसी तरह से ये पूरे से रोकने की प्रक्रिया, जो जलन कि ये समाज के व्यक्ति आगे क्यों बढ़ रहे हैं, तो उसी का परिणाम है जो अभी राजस्थान में हुई जितेंद्र मेघवाल के साथ। घटना के बारे में बताया जाता है कि ये 2 साल पुरानी इनकी लड़ाई हुई, नोकझोंक हुई, लेकिन देखिए ये नोकझोंक होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हर मोहल्ले पड़ोस में व्यक्तियों के बीच में नोकझोंक होती है, लेकिन नोकझोंक हत्या तक पहुंच गई, इसके पीछे उनकी आपसी रंजिश नहीं है, इसके पीछे जो जातीय मानसिकता है, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता इनके मन में भरी पड़ी है, जो गंदी मानसिकता भरी पड़ी है, उसकी वजह से वो हत्या तक बात आ जाती है। देखिए, और भी हम इस समाज में देखते हैं कि और भी जो कहते हैं सो कॉल्ड अपर क्लास, वो अगर वो भी मूछ रखता है या चोटी रखता है या दूसरे अन्य काम करता है, उनके साथ तो किसी की रंजिश नहीं होती, उनकी तो आपसी कोई ऐसी लड़ाई नहीं होती, और लड़ाई अगर होती है तो यहाँ हत्या तक नहीं पहुँचती, लेकिन उनके मन में ये बड़ा ये घर कर गया कि यह दलित समाज का व्यक्ति ऊंची मूछ रख लिया और मुझसे बोल गया, फिर वह अपने राजस्थान के आंगनबाड़ी में लग जाता है, और कोविड के समय में वह ईमानदारी से काम करता है और सोशल मीडिया पर अपने ताव देते हुए मूछ की फोटो डालता है और अपनी बेहतरीन फोटो डालता है, जो कि इस समाज के व्यक्तियों को उनको हजम नहीं होती, और वो अभी पिछले हफ्ते ही वो फिर अपने किसी साथी को लेके आता है, और यहाँ पर पहले उसके माँ और बहन से लड़ाई करता है, उसके बावजूद उससे लड़ाई लड़ता है, और इसके बाद जब बीच में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है लड़ाई के बाद, तो मृत घोषित वो मर जाता है व्यक्ति। तो देखिए, अभी जैसे मैंने किसकी न्यूज भी पढ़ी, फुटेज ये दिया गया कि इनकी आपसी रंजिश, मैं पहले भी कह रहा हूँ कोई आपसी रंजिश नहीं होती, ये रंजिश ऐसी हत्या में क्यों बदल दी जाती है, क्योंकि ये जातीय मानसिकता जो इतने भयंकर ढंग से इनके मन में भर दी गई है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक दलित समाज का व्यक्ति जब घोड़ी पे चढ़ता है तब इनको प्रॉब्लम होती है, मूछ रखता है तब प्रॉब्लम होती है, अच्छे कपड़े पहनता है तब इनको प्रॉब्लम होती है, अच्छे ऑफिसों में जाता है तब प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश बोलता है तब प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इनकी मानसिकता है, और ये मानसिकता कम नहीं हो रही है, मानसिकता बढ़ती जा रही है। भारतीय संविधान 1950 में इस देश में लागू हो गया, और संविधान के अंदर सबको समानता का अधिकार दिया गया, राइट टू फ्रीडम दिया गया, उनका अपनी वो किस तरह से कपड़े पहने, किस तरह से रहें, अपनी ज़िंदगी रहने का उनका पूरा अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है, लेकिन उन संविधानों के कानून का पालन नहीं हो रहा, तो इसके पीछे एक बहुत बड़े जो कारण है कि इस देश का जो शासन प्रशासन वह भी इसके पीछे जिम्मेदार है, क्योंकि
उनके रहते हुए भी अगर ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, इस भारतीय संविधान के लागू होने के बावजूद अगर ये चीज़ें बढ़ती जा रही है तो शासन प्रशासन का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आखिर कब रुकेगी? हमारे देश के जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं सब दलित बस्तियों के बीच में जाते हैं, उनसे समानता की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम आएंगे तो आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या सबके साथ की बात करते हैं लेकिन सबका साथ तो ले लेते हैं, लेकिन अन्याय बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। रुकने का काम नाम क्यों नहीं ले रहा? रुकने का नाम इसलिए नहीं ले कि जब तक ये दूषित मानसिकता उनके माइंड में घुसी रहेगी और शासक जो शासन प्रशासन उसका सपोर्ट करता रहेगा तो ये चीज़ें बढ़ती रहेगी। और आप देखिए ये कैसे ना कैसे अगर इनके ये ऐसी घटनाएं, तो ये तो घटनाएं सामने आ गई, ऐसी तो हजारों घटनाएं डेली हो रही हैं, बहुत सारी सामने नहीं आ रही, और किसी तरीके से घटनाएं सामने आ गई, इसका अंजाम देखना क्या होगा? ये केस कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में देखना इनको फिर मोहरत मिल जाए, कोई ज़्यादा बड़ी सज़ा नहीं मिलेगी, और क्या बड़ी सज़ा ना मिलने के पर क्या देखा ये होगा? फिर ऐसे जो दूषित मानसिकता वाले जो मनुवादी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। और ये देखिए ये न्यायपालिका का जिम्मेदारी है, ऐसे जो जाति मानसिकता वाली हरकतें होते हैं ऐसे जाति मानसिकता विरोधी वालों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा ना हो। तो ये बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर शासन प्रशासन न्यायपालिका ये पूरी तरह से ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, जो ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि इस देश के अंदर जो दलित समाज वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपना आदर्श मानता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आदर्श मानता है तो भारतीय संविधान में भी अपनी आस्था रखता है। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि जो आपसी भारतीय संविधान के अंदर आपसी जो समानता का भाव है, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, ये सम्मान बरकरार रहे। अगर बी आर अम्बेडकर के मानने वालों ने संविधान को मानना छोड़ दिया तो बहुत समाज के अंदर वैमनस्यता फैलेगी, यह देश हित के लिए सही नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हम भारत देश के अंदर रहते हैं तो भारतीय संविधान का अगर पूर्णतः से ईमानदारी से पालन अगर होगा तो ऐसी घटनाएं ना होगी। और मैं वहाँ के जो मुख्यमंत्री है मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा और भारत देश के प्रधानमंत्री उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ऐसे जो जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि एक ऐसी मिसाल बने कि कोई दूसरा ऐसी हरकतें ना कर सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र जी, आपने इस विषय पर चर्चा रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, देखते रहिए जनता।